हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 0। तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 0। तो आपको x इक्वल टू 0 रखना है। हमारा पॉलिनोमियल हमने ले लिया px, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो यहां पर आपके पास है x 0, तो इन प्लेस ऑफ x आपको क्या रखना है 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। 5 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0, तो 4 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, और बचा क्या प्लस 3। तो सिर्फ प्लस 3 बचा और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आपको निकालना है x इक्वल टू माइनस 1 पे, मतलब जहां जहां x है वहां आपको माइनस 1 पुट करना है। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, x की जगह माइनस 1 पुट किया, x की जगह माइनस 1, माइनस 4 एज इट इज, x की जगह माइनस 1 पुट किया। और अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 5। यहां पर ध्यान दीजिए, माइनस 4 और ये है माइनस 1 का स्क्वायर। तो पहले माइनस 1 का स्क्वायर, पहले कॉमन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 1, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 1, ठीक है। तो माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 और आगे हमने लिखा प्लस 3, ठीक। तो ये हो गया माइनस 5 और यहाँ पर कितना हुआ, 4 वन जा 4 माइनस के साथ और प्लस 3, दैट इज माइनस 9 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। x इक्वल टू दिया हुआ है 2, तो जहां जहां x है वहां आपको 2 रखना है। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 टू जा 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा प्लस 3, ठीक है। ध्यान देना, 10 माइनस 4 नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन आता है ना, बॉड मास रूल पढ़ा है आपने, पहले डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन भी दिख रहा है और मल्टीप्लीकेशन भी है। माइनस 10 माइनस 4 इंटू 4, तो पहले क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो 4 4 जा 16, बाकी सब एज इट इज, ठीक है। 10 प्लस 3 इज 13, 13 माइनस 16 इज माइनस 3। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन 1। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें दिया है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 एंड वी हैव टू फाइंड पी ऑफ 0। दैट मींस इन प्लेस ऑफ y बस आपको 0 पुट करना है। 0 स्क्वायर माइनस y की जगह 0 प्लस 1, 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 हटा दो, छोड़ दो, बचा क्या सिर्फ 1, ठीक है। नेक्स्ट पी ऑफ 1 इन प्लेस ऑफ y, व्हाट वी हैव टू राइट, 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया और 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ गया। नेक्स्ट पी ऑफ 2 इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू राइट 2, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 2 स्क्वायर इज 4 देन माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 इज 2, 2 प्लस 1 3, चाहे तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 कर लें, जैसे चाहे कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t इज 2 प्लस t प्लस 2 t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, p ऑफ 0 निकालना है, दैट मींस इन प्लेस ऑफ t वी हैव टू राइट 0। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, ठीक है। 0 0 रह गया, 0 क्यूब किया 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, बचा क्या सिर्फ एंड सिर्फ 2, ठीक है। नेक्स्ट p ऑफ 1 इन प्लेस ऑफ t वी हैव टू राइट 1, t स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया और t क्यूब मींस 1 क्यूब, ठीक है। 2 प्लस 1 हम कर लें 3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 1 स्क्वायर इज 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 का क्यूब 1, ठीक है। 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4। नेक्स्ट p ऑफ 2 प्लेस ऑफ t वी हैव टू राइट 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, कितना हो गया 2 प्लस 2 4, ठीक है। यहां पर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना हुआ, चलो इसको बाद में करते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ये 2 ऐसे लिखा, प्लस 2 ऐसे लिखा, प्लस 2 और यहां पर 2 स्क्वायर है 4 और 2 क्यूब इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब मीन्स 2 3 जा नहीं करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 करना, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, समझ में आया? टू एज इट इज प्लस टू एज इट इज प्लस टू एज इट इज, टू का स्क्वायर फोर और टू का क्यूब एट, टू प्लस टू प्लस टू फोर एट और माइनस एट, ठीक है, तो टू प्लस टू फोर और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया फोर. नेक्स्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इन प्लेस ऑफ एक्स हमें रखना है जीरो, जीरो का क्यूब इज जीरो, इन प्लेस ऑफ एक्स हमें रखना है वन, पी ऑफ वन फाइंड करने के लिए वन का क्यूब इज वन, वन इंटू वन इंटू वन इज वन, पी ऑफ टू मीन्स टू क्यूब दैट मीन्स टू इंटू टू इंटू टू एंड दैट इज एट, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ध्यान दीजिएगा इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ध्यान से देखना, पी ऑफ जीरो, जीरो माइनस वन इंटू जीरो प्लस वन, जीरो माइनस वन मीन्स माइनस वन, जीरो को छोड़ दो माइनस वन, यहाँ पर जीरो को छोड़ दो, क्या है वन, और इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, माइनस वन इंटू वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, वन एक्स की जगह हमें पुट करना है वन, वन माइनस वन और यहाँ पर वन प्लस वन, ध्यान दो वन माइनस वन इज जीरो एंड वन प्लस वन इज टू, जीरो इंटू टू क्या है जीरो मल्टीप्लीकेशन टू, जीरो टू जा जीरो, टू नहीं होगा, जीरो इंटू टू इज जीरो. लास्ट पार्ट, पी ऑफ टू, टू एक्स की जगह टू माइनस वन और यहां पर है टू प्लस वन, टू माइनस वन, कुछ गलत लिखा है क्या, नहीं सही है, टू माइनस वन इज वन, टू प्लस वन इज थ्री, वन इंटू थ्री इज थ्री. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन और आपको दिया हुआ है एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री, चेक करना है कि इसका जीरो है या नहीं है. जीरो होना मतलब क्या होता है कि हम उस वैल्यू को जो गिवन वैल्यू है माइनस वन बाय थ्री, इसको अगर हम एक्स की जगह पुट करेंगे तो आपका पॉलिनोमियल का आंसर सॉल्व करने पे जीरो आए, अगर दैट मीन्स दैट माइनस वन बाय थ्री इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हमें क्या करना है, जहां एक्स है वहां माइनस वन बाय थ्री रख दो, जहां जहां एक्स है वहां माइनस वन बाय थ्री रख दो और सॉल्व कर लेते हैं इसको. ये थ्री और ये थ्री कैंसिल, बचा क्या सिर्फ माइनस वन और यहाँ पर है प्लस वन और ये आ गया इज इक्वल टू जीरो. अगर पी ऑफ माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो है दैट मीन्स एक्स इक्वल टू वन माइनस वन बाय थ्री इज अ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल. मतलब सॉल्व करने पे अगर आपका आंसर जीरो आता है दैट मीन्स दैट वैल्यू इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. क्लियर. नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है फाइव पी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव एंड एक्स इक्वल टू फोर बाय फाइव. तो वही करना है हमें, एक्स की जगह फोर बाय फाइव पुट करना है, जहां जहां एक्स है वहां फोर अपॉन फाइव पुट कर दो, फाइव की वैल्यू ट्वेंटी टू बाय सेवन हम ले रहे हैं, यहाँ पर फाइव फाइव कैंसिल, थ्री पॉइंट वन फोर भी लिख सकते हैं, फोर माइनस ट्वेंटी टू बाय सेवन कितना हो गया, अभी एलसीएम लेना पड़ेगा, वन और सेवन का एलसीएम सेवन, यहाँ पर हो जाएगा फोर सेवन का ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी टू दैट इज सिक्स अपॉन सेवन एंड दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू फोर बाय फाइव इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. अगर यहां पर जीरो आता सॉल्व करने पे तो वो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल होता, लेकिन वो जीरो नहीं आया है, वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिला है सिक्स बाय सेवन दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू फोर बाय फाइव इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड यू हैव टू चेक फॉर एक्स इक्वल टू वन एंड ऑल्सो फॉर एक्स इक्वल टू माइनस वन. तो पहले एक्स इक्वल टू वन पे हम चेक कर लेते हैं वेदर एक्स इक्वल टू वन इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल और नॉट. तो जहां जहां एक्स है वहां आपको वन पुट करना है, एक्स वन स्क्वायर माइनस वन, वन स्क्वायर इज वन माइनस वन दैट इज जीरो, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू वन इज अ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल क्योंकि हमारा सॉल्व करने से जीरो आ गया. अब दूसरा लेते हैं माइनस वन, जहां एक्स है वहां माइनस वन पुट कीजिए, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, ध्यान से देखिए माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा वन, माइनस वन कितना आया जीरो, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस वन इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू एंड यू हैव टू चेक फॉर टू वैल्यूज एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू टू. तो पहले हम ले लेते हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन, पहले इसको चेक करते हैं वेदर दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल और नॉट. तो जहां जहां एक्स है वहां माइनस वन पुट करेंगे माइनस वन, ठीक है, माइनस वन प्लस वन इज जीरो
और माइनस वन माइनस टू इज माइनस थ्री. जीरो इंटू एनी नंबर इज जीरो. दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस वन इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, पी एक्स लिख देती हूँ मैं. दूसरा हमें चेक करना है टू के लिए, जहां जहां x है वहां 2 पुट करना है, 2 प्लस 1 और यहाँ 2 माइनस 2. ठीक, 2 प्लस 1 इज 3, 2 माइनस 2 0, 0 इंटू एनी नंबर इज 0. तो 0 आ गया, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 इज ऑल्सो 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स. नेक्स्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पे, तो जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दो. तो यहाँ पे सिर्फ 0 0 स्क्वायर ही करना है, दैट इज 0. P of 0, 0 आ गया, that means x equal to 0 is a 0 of polynomial Px. ठीक है, next part में दिया हुआ है Px equal to Lx plus m and you have to check for x equal to minus m upon L. तो जहां x है वहां आपको रखना है minus m upon L. L x की जगह minus m upon L plus m. देखिए L ऊपर यहाँ पर numerator में या denominator में cancel हो गया, बचा गया यहाँ पर सिर्फ m और प्लस m. m प्लस m इज माइनस m प्लस m इज जीरो. दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px. नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और हमें चेक करना है x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 और 2 बाय रूट 3 पे. तो पहले हम ले लेते हैं माइनस 1 बाय रूट 3 p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3. जहां x है वहां आपको माइनस वन बाय रूट थ्री रखना है. ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन. ठीक है, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, क्लियर है ना. तो रूट थ्री का स्क्वायर मीन्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री. रूट थ्री इंटू रूट थ्री को आप ऐसे लिख सकते हो, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा है ना क्लास एट में, ऐसे क्या करोगे. इसके बाद दो थ्री है तो स्क्वायर रूट में एक थ्री बाहर आ जाता है. ठीक है, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री. ठीक, माइनस का माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री. आगे करते हैं माइनस वन एज इट इज. अभी कैंसिल हो रहा है, थ्री और थ्री कैंसिल, दोनों एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, बचा गया वन माइनस वन एंड दैट इज इक्वल टू जीरो. सो एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स. दूसरा लेते हैं टू बाय रूट थ्री, पी ऑफ टू बाय रूट थ्री. जहां x है वहां पर रखना है 2 बाय रूट थ्री. ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3. अब ये 3 3 कैंसिल, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, बचा के यहाँ 4, 4 माइनस 1 इज 3. ठीक है, ये हो गया हमारा 3 आया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इक्वल टू 2 बाय रूट थ्री इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स. मूविंग टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, यू हैव टू चेक फॉर 1 बाय 2, x इक्वल टू 1 बाय 2. तो जहां x है वहां 1 बाय 2 रख दीजिए. ठीक है, ये 2 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ पर प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2. दैट मीन्स x इक्वल टू 1 बाय 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स. Moving to next question, last question of this exercise. Find the zeros of the polynomial in each of the following cases. Px equal to x plus 5. तो हमें zero find करना है. ये है linear polynomial. Linear polynomial का एक ही zero होता है. ध्यान रखिए, अगर linear polynomial है तो एक zero होगा at most. अगर quadratic polynomial है तो at most 2 zeros होंगे. और अगर cubic polynomial है तो at most 3 zeros होंगे. तो यहाँ पर है लीनियर पॉलिनोमियल तो एक ही जीरो होगा. और जीरो फाइंड करने का एक तरीका है, टू फाइंड जीरोस हम क्या करें, उस पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा. तो हम पॉलिनोमियल को जीरो पुट करते हैं. पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एक्स प्लस फाइव. एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस फाइव साइड चेंज करोगे तो माइनस फाइव. सो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. सेकेंड पार्ट में है एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव. तो पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू जीरो पुट करना है. पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. इससे एक्स कितना मिल गया हमें, माइनस फाइव की साइड चेंज करोगे तो प्लस फाइव. सो एक्स इक्वल टू फाइव इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर. नेक्स्ट है पी एक्स टू एक्स प्लस फाइव.
और हम जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको पॉलीनोमियल को जीरो पुट कर देंगे. पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स मीन्स टू एक्स प्लस फाइव, दैट इज इक्वल टू जीरो. सो टू एक्स क्या हो जाएगा, प्लस फाइव की साइड चेंज करोगे माइनस फाइव, प्लस फाइव की साइड चेंज करोगे माइनस फाइव. ठीक है, अब टू इंटू एक्स है, टू मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा एंड एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू. जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, टू फाइंड जीरोस, हमें पॉलीनोमियल को जीरो पुट कर देना है. ठीक है, पॉलीनोमियल हमारे पास है थ्री एक्स माइनस टू, इसको जीरो पुट करेंगे. सबसे पहले माइनस टू की साइड चेंज करो, माइनस टू की साइड चेंज करोगे तो क्या होगा, प्लस टू. ठीक है, अब थ्री इंटू एक्स है, थ्री मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा. सो एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. नेक्स्ट पार्ट लेते हैं थ्री एक्स, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स. जीरो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पॉलीनोमियल को जीरो पुट कर देना है, मीन्स थ्री एक्स इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब देखो एक्स इक्वल टू जीरो क्या करें, डिवाइडेड बाय थ्री, यहाँ पर थ्री मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा एंड जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो. सो एक्स इक्वल टू जीरो इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स. तो जीरो फाइंड करना है तो क्या करना है हमें, पॉलीनोमियल को इज इक्वल टू जीरो. पॉलीनोमियल क्या है हमारे पास, ए एक्स. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स. तो क्या करें, ए मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाके डिवीजन हो जाएगा. ठीक है, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो. सो एक्स इक्वल टू जीरो इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. नेक्स्ट, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी. जीरो फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, पॉलीनोमियल को इज इक्वल टू जीरो पुट कर देना है. सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो. अब देखिए, सबसे पहले प्लस डी की साइड चेंज करेंगे, प्लस डी की साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस डी. अब सी मल्टीप्लीकेशन में एक्स के साथ, सी इंटू एक्स, सी को दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा. सो माइनस डी अपॉन सी इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल.